हेलो दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं ओप्पो A3, A3S, ओप्पो A5 से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आप सब बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो कि हमें कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं कि आप जो है इस मॉडल के ऊपर वीडियो बनाइए। जी हाँ दोस्तों, कंटिन्यू ओप्पो A3S, ओप्पो A5, ओप्पो A3, ओप्पो A9, ये कुछ सिलेक्टेड मॉडल हैं जिनके ऊपर काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे ऐसा फील हुआ है कि फिर से इस मॉडल के ऊपर क्यों ना वीडियो बनाया जाए। हालांकि मैंने इन सब मॉडल के ऊपर वीडियो बहुत सारा बनाया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आपका जो स्मार्टफोन हो, जिस स्मार्टफोन पे आप यूज कर रहे हैं, वो फ़ोन अपडेटेड ना हो या फिर अपडेट हो चुका हो, जिस वजह से पुराना मैथड काम नहीं कर रहा हो, है ना। तो मैंने सोचा, अपनी टीम से डिस्कस किया और फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। अभी का जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये करेंटली ओप्पो के A3, A3S, ओप्पो के A5 और ओप्पो A9 2020 एडिशन, ओप्पो A5 2020 एडिशन पे लागू होता है। इस वीडियो के माध्यम से आप देख के सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं बिना किसी डेटा को गवाए हुए। जी हाँ दोस्तों, और आप जो है ये ट्रिक अपने मोबाइल में ही यूज करेंगे, किसी दूसरे स्मार्टफोन में यूज नहीं करेंगे। ये वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप दूसरे के स्मार्टफोन के बिना परमिशन से ऐसा करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, तो काइंडली आप ऐसा ना करें। तो अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीचे इमरजेंसी कॉल आपको हर स्मार्टफोन में मिलेगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन हो, ओप्पो हो, रियलमी हो, वीवो, कोई भी हो, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। अभी हम इस मेथड में आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है अपने ओप्पो के फ़ोन को अनलॉक करेंगे। देखिए, बहुत सारे स्मार्टफोन जो होते हैं उनके डेवलपर ऑप्शन, गूगल FRP, सब के ऊपर डिपेंड करता है हमारा फ़ोन लॉक जो होता है, हमारी गलती से ही होता है या दूसरे की गलती से होता है, हम पासवर्ड भूल जाते हैं, है ना। तो आपका चाहे पैटर्न हो, पिन हो, पासवर्ड हो, कुछ भी हो, वो आपके फ़ोन में स्टोर होता है, बस उसको रीसेट करना पड़ता है, उसको डिसकनेक्ट करना पड़ता है, वो एक तरीके से लॉस हो जाता है, आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो प्रोसेस बहुत ऐसा नहीं है कि पेचीदा प्रोसेस है, जो टेक्स रिलेटेड बंदे हैं वो लोग समझ सकते हैं। आप अपने फ़ोन को खुद से अनलॉक कर सकते हैं, कैसे, देखिए। सबसे पहले तो हमें जून महीने का FRP कोड डालना होगा। अब जो है FRP कोड रैंडमली चेंज हो रहा है, कंपनी ने दावा किया था 15 तारीख तक का, लेकिन फिर से वो कोड चेंज कर दिए हैं। अब आप कहेंगे कि भाई तू तो जो है हमेशा कोड चेंज करते रहता है, तो कोड कंपनी हैकर से बचने के लिए कोड जो है हमेशा चेंज होते रहता है, तो इसलिए आप इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा। फिलहाल ये कोड आप देख लीजिए, इस कोड के माध्यम से आप अपने ओप्पो के स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं। ये नंबर जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस नंबर की मदद से आप जो है अपने ओप्पो के फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे। ये जून महीने का कोड है, फिलहाल जो टाइमिंग दिया गया है वो 15 जून ही है, लेकिन इसको आपको जरूरी है कि ये काम करेगा 15 जून तक, हो सकता है चेंज हो जाए, तो आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखिएगा तो पता चल जाएगा। डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि सर जून महीने का फ़िलहाल कोई नया कोड आया या नहीं, मैं कम्युनिटी में भी दे दूंगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से ये करना है। और बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट भी आ रहा है कि सर आप PC से कैसे लॉक तोड़े, इसके बारे में भी बताइए। तो हम लोग, हमारी टीम इसके बारे में डिस्कस कर रही है। दिक्कत ये होता है कि बहुत सारे लोगों के पास PC नहीं होता है, अभी भी गांव में आउटसाइड एरिया में PC नहीं होता है। अगर PC होता भी है तो इंटरनेट उतना स्ट्रांगली नहीं हो पाता है, सबके पास ब्रॉडबैंड नहीं हो पाता है। तो हम लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको किया जाए। अब जो है यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल का FRP हम लोग अनलॉक करेंगे इसके थ्रू, तो इसको कॉलिंग के थ्रू ही किया जाता है, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको कॉल वाले ऑप्शन को कर दिया है, 5 से ज़्यादा बार करना है, ये आपको हर वीडियो में मैं बताता हूँ, तो आपको भी इस तरीके से कर लेना है। अब यहाँ से इन सारे नंबर को मैंने रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के बाद आपको पर्टिकुलर हर वीडियो में आप देखते होंगे कि हम जो है गूगल के FRP डेवलपर मिरेकल बॉक्स के थ्रू अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं समझते हैं कि हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें किस फ़ोन के ऊपर बनाते हैं, किस मॉडल के ऊपर बनाते हैं।
ऐसा नहीं है कि हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें आप देखते हैं कि हम ओप्पो के स्मार्टफोन को अनलॉक करते हैं, तो हमारा स्मार्टफोन कब का अपडेटेड है, आपका स्मार्टफोन कब का अपडेटेड है फ़ोन में, जैसा ऐसा नहीं है कि अगर मान के चलिए कि एंड्रॉयड 10 का अपडेट आता है तो एक ही दिन जितने भी ओप्पो के या रियलमी के स्मार्टफोन या कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन सब में आता है, नहीं, बारी बारी धीरे धीरे से ये सब में मतलब कि ख़त्म होते जाता है, सब में आते जाता है ना। तो अभी जो है आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे हमने गूगल के FRP को कर लिया। अब जो है यहाँ पे हम अपने स्मार्टफोन के डेवलपर ऑप्शन को ब्लॉक करेंगे। डेवलपर ऑप्शन को ब्लॉक करने से बेनिफिट ये होता है कि आपका जो पैटर्न पासवर्ड है वो भी कंटिन्यूसली ब्लॉक हो जाता है। तो इसके लिए भी ये कोड है, आप इस कोड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस कोड के थ्रू आप अपने स्मार्टफोन के डेवलपर ऑप्शन को भी बंद कर सकते हैं। तो फिलहाल ये कोड आप देख लीजिए, इससे आप जो है अपने स्मार्टफोन के डेवलपर ऑप्शन को बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे एक बार इसको कॉल कर लेना है और ओके कर देना है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए *#899 और हैज यहाँ पे आपको इस तरीके से दबा लेना है। तो आप चले जाते हैं इंजीनियर मोड वाले ऑप्शन में। तो इंजीनियर मोड में आप जैसे ही गए, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है NV पैरामीटर का। ध्यान दीजिएगा, NV पैरामीटर आपके स्मार्टफोन में है या नहीं है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा मुझे। मैनुअल टेस्ट पे चलते हैं। मैनुअल टेस्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे मेन बोर्ड वर्जन का। तो जिन लोगों के स्मार्टफोन में मेन बोर्ड वर्जन है उनको रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर वाले पे क्लिक करना है। जिनके स्मार्टफोन में मेन बोर्ड वर्जन नहीं है उनको है जो कि NV पैरामीटर पे क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का स्मार्टफोन है उनके स्मार्टफोन में, मैं फिर से आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये स्मार्टफोन है, तो अगर हम यहाँ पे इमरजेंसी कॉल में जाएंगे और *#899 और हैज यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे जाएंगे और मैनुअल टेस्ट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो मैनुअल टेस्ट में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हर स्मार्टफोन में अलग अलग होता है, यहाँ देखिए यहाँ भी मेन बोर्ड वर्जन है, यहाँ भी मेन बोर्ड वर्जन है। तो मेन बोर्ड वर्जन जिनके भी स्मार्टफोन में है उनको रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर वाले पे उन्हीं को फ़ोन करना है, ये करना है, क्लिक करना है। बैक करते हैं। फिलहाल जो है अगर आपका मेन बोर्ड वर्जन है तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया आपके सामने ऑप्शन आ जाता है पास का, बैक कर लेना है। फिर से हमें बैक करना है। अब देखिए जब भी आपके स्मार्टफोन में पास का मैसेज आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो NV पैरामीटर उनके लिए जिनके फ़ोन में डेटाबेस वर्जन है, जिनका डेटाबेस वर्जन है उन्हीं को NV पैरामीटर पे क्लिक करना है, मेन बोर्ड वर्जन वाले को इस पे क्लिक नहीं करना है। अब फाइनली आपको क्या करना है कि ऊपर से अपने स्मार्टफोन को स्क्रॉल करना है और आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो जाएगा।